मां महामाया माई की, मां महामाया माई की, हमर बहनी भाई दद्दा औ जम्मो संगवारी मल्ला मोर जय जोहार। भाजपा ने जब मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था तब अंबिकापुर में ही आपने लाल किला बनाया था। और जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है, आए दिन मोदी पर हमला करने के लिए जगह ढूंढते रहते हैं, उस पूरी टोली ने उस समय मुझ पर बहुत हमला बोल दिया था कि ये लाल किला कैसे बनाया जा सकता है, अभी तो प्रधानमंत्री का चुनाव बाकी है और ये लाल किले का दृश्य बना करके वहां से सभा कर रहे, कैसा करते, यानी तूफान मचा दिया था। बात का बवंडर बना दिया था। लेकिन आपकी सोच से वही मोदी लाल किले पर पहुंचा और राष्ट्र के नाम संदेश दिया और आज अंबिकापुर ये क्षेत्र फिर वही आशीर्वाद दे रहा है। फिर एक बार साथियों, कुछ महीने पहले मैंने आपसे छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का भ्रष्टाचारी पंजा हटाने के लिए आशीर्वाद मांगा था। आपने मेरी बात का मान रखा और इस भ्रष्टाचारी पंजे को साफ कर दिया और आज देखिए, आप सबके आशीर्वाद से सरगुजा की संतान, आदिवासी समाज की संतान आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के सपनों को साकार कर रहा है। और मेरे अनन्य साथी भाई विष्णु जी, विकास के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आप देखिए, अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, बहुत कम समय हुआ है, लेकिन इन्होंने इतने कम समय में रॉकेट की गति से सरकार चलाई है। धान किसानों को दी गारंटी, पूरी कर दी। अब तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी ज्यादा पैसा मिल रहा है, तेंदुपत्ता खरीद भी तेजी से हो रही है। यहां की माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना से भी लाभ हुआ है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह कांग्रेस के घोटालेबाजों पर एक्शन हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। साथियों, मैं आज आपसे विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। जब मैं विकसित भारत कहता हूं तो कांग्रेस वालों का
और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल ही बिगड़ जाएगा। आज अगर भारत आत्मनिर्भर बन गया तो कुछ ताकतों की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं। ऐसी कांग्रेस सरकार जो आपस में लड़ती रहे, जो घोटाले करती रहे। साथियों, कांग्रेस का इतिहास सत्ता के लालच में देश को तबाह करने का रहा है। देश में आतंकवाद फैला, किसके कारण फैला, किसके कारण फैला, किसके कारण फैला, किसके कारण फैला? देश में नक्सलवाद बढ़ा, किसके कारण बढ़ा, किसके कारण बढ़ा? साथियों, कांग्रेस का कुशासन और लापरवाही यही कारण है कि देश बर्बाद होता गया। आज भाजपा सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस हिंसा फैलाने वालों का समर्थन कर रही है। इतना ही नहीं, जो लोग निर्दोषों को मारते हैं, लोगों का जीना हराम कर देते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं, सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, अगर वो मारे जाएं तो ये कांग्रेस वाले उनको शहीद कहते हैं। जब आप ऐसे लोगों को शहीद कहते हो ना, तो इस देश के शहीदों का, वीरों का अपमान करते हो। इसी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आतंकवादियों के मारे जाने पर आंसू बहाती है। ऐसी ही करतूतों के कारण कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है। भाइयों और बहनों, आज जब मैं सरगुजा आया हूं तो कांग्रेस की मुस्लिम लीगी सोच को देश के सामने रखना चाहता हूं। और जब उनका मैनिफेस्टो आया, उसी दिन मैंने कह दिया था, आज नहीं कह रहा हूं, उसी दिन कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, जब संविधान बन रहा था, काफी चर्चा विचारणा के बाद देश के सभी बुद्धिमान लोगों के चिंतन मनन के बाद बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में ये तय किया गया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, आरक्षण होगा तो मेरे दलित भाई बहनों के लिए होगा, मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए होगा, लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन वोट बैंक की भूखी कांग्रेस ने कभी
इन महापुरुषों की बातों की परवाह नहीं की, संविधान की पवित्रता की परवाह नहीं की, बाबा साहब आम्बेडकर के शब्दों की परवाह नहीं की। कांग्रेस ने बरसों पहले आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया था, फिर कांग्रेस ने इसको पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई। इन लोगों ने धर्म के आधार पर 15% आरक्षण की बात कही और ये भी कहा कि एससी एसटी ओबीसी का जो कोटा है उसी में से कम करके, उसी में से चुरा करके ये धर्म के आधार पर कुछ लोगों को आरक्षण दिया जाए। 2009 के अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यही इरादा भी जताया। 2014 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इन्होंने साफ साफ कहा था कि वो इस मामले को कभी भी छोड़ेंगे नहीं, मतलब धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे। अगर दलितों का आदिवासियों का आरक्षण कट करना पड़े तो करेंगे। कई साल पहले कांग्रेस ने कर्नाटका में धर्म के आधार पर आरक्षण लागू भी कर दिया था, जब वहां बीजेपी सरकार आई तो हमने संविधान के विरुद्ध, बाबा साहब आम्बेडकर की भावना के विरुद्ध कांग्रेस ने जो निर्णय किया था उसको उखाड़ करके फेंक दिया और दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को उनका अधिकार वापस दिया। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, उसने और एक पाप किया। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। यानी जो हमारे देश के ओबीसी समाज को लाभ मिलता था उसका बड़ा हिस्सा कट गया और वो भी वहां चला गया। यानी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया, सामाजिक न्याय की हत्या की। कांग्रेस ने भारत के सेक्युलरिज्म की हत्या की। कर्नाटका अपना यही मॉडल, ये कांग्रेस पूरे एससी एसटी ओबीसी का हक अपने वोट बैंक को देना चाहती है। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ आपके आरक्षण को ही लूटना नहीं चाहते, उनके तो और बहुत कारनामे हैं। और इसलिए मेरे आदिवासी भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मेरे दलित भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मैं ओबीसी के भाई बहनों को कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के इरादे नेक नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है, सामाजिक न्याय के अनुरूप नहीं है, भारत की बिन सांप्रदायिकता के अनुरूप नहीं है। अगर आपके आरक्षण की कोई रक्षा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन दीजिए ताकि कांग्रेस की एक न चले, किसी राज्य में भी वो कोई हरकत न कर सके, इतनी ताकत आप मुझे दीजिए ताकि मैं आपकी रक्षा कर सकूं। साथियों, कांग्रेस की नजर
सिर्फ आपके आरक्षण पर ही ऐसा नहीं है, कांग्रेस की नजर आपकी कमाई पर, आपके मकान, दुकान, खेत, खलिहान पर भी है। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो थोड़ा बहुत स्त्री धन होता है, गहने जेवर होते हैं, कांग्रेस उनकी भी जांच कराएगी। यहां सरगुजा में तो हमारी आदिवासी बहनें चंदवा पहनती है, हंसूली पहनती है, हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं। कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर, वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आपको मालूम है ना वो किसको देंगे, मालूम है ना किसको देंगे, आपसे लूट करके किसको देंगे मालूम है ना? मुझे कहने की जरूरत है क्या? क्या ये पाप करने देंगे क्या आप? और कहती है कांग्रेस सत्ता में आने के बाद ही वो एक के बाद ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाएगी। अरे ये सपने मत देखो, देश की जनता आपको ऐसा मौका नहीं देगी। साथियों, कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाहदी परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले किया कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है, उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे। भाइयों बहनों, हमारा देश संस्कारों से, संस्कृति से उपभोक्तावादी देश नहीं है। हम
संचय करने में विश्वास करते हैं, संवर्धन करने में विश्वास करते हैं, संरक्षित करने में विश्वास करते हैं। आज अगर हमारी प्रकृति बची है, पर्यावरण बचा है, तो हमारे इन संस्कारों के कारण बचा है। हमारे यहां घर में बूढ़े मां बाप होंगे, दादा दादी होंगे, उनके पास एक छोटा सा भी गहना होगा ना, अच्छी एकाध चीज होगी तो संभाल करके रखेगी, खुद भी पहनेगी नहीं। क्यों? वो सोचती है मेरी पोती की जब शादी होगी तो मैं उसको दूंगी, मेरी नाती की जब शादी होगी तो मैं इसको दूंगी। यानी तीन तीन पीढ़ी का सोच करके वो खुद अपना हक भी नहीं भोगती, वो बचा के रखती है ताकि अपने नाते नाती को भी दे सके। ये मेरे देश का स्वभाव है। मेरे देश के लोग कर्ज कर करके जिंदगी जीने के शौकीन लोग नहीं है, मेहनत करके जरूरत के हिसाब से खर्च करते हैं और बचाने के स्वभाव के हैं। ये भारत के मूलभूत चिंतन पर, भारत के मूलभूत संस्कार पर ये कांग्रेस पार्टी कड़ा प्रहार करने जा रही है। और उन्होंने कल ये बयान क्यों दिया है, इसका कारण है, एक तो ये सोच उनकी बहुत पुरानी है, आप पुरानी चीजें खोजोगे ना, और ये जो लोग फैक्ट चेक वाले जो है ना, मोदी की बाल की खाल उधड़ने में लगे रहते हैं, जरा कांग्रेस की हर चीज देखिए, आपको हर चीज में ये बू आएगी। मोदी के बाल की खाल उधड़ने में टाइम खराब मत करो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये कल तूफान इनके यहां क्यों मच गया, जब मैंने कहा कि अर्बन नक्सल शहरी माओवादियों ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया है, तो उनको लगा कि कुछ अमेरिका को खुश करने के लिए भी कहना चाहिए। ये मोदी ने इतना बड़ा आरोप लगाया तो बैलेंस करने के लिए वो उधर की तरफ मुड़ने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी संपत्ति को लूटना चाहते हैं, आपके संतानों का हक आज ही लूट लेना चाहते हैं। क्या आपको ये मंजूर है? ये आपको मंजूर है? जरा पूरी ताकत से बताइए, उनके कान पे सुनाई दे, ये मंजूर है? देश चलने देगा? आपको लूटने देगा? आपके बच्चों की संपत्ति लूटने देगा? साथियों, जितने साल देश में कांग्रेस की सरकार रही, आपका हक का पैसा लूटा जाता रहा, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद अब आपके हक का पैसा आप लोगों पर खर्च हो रहा है। इस पैसे से छत्तीसगढ़ के करीब 13 लाख परिवारों को पक्के घर मिले, इसी पैसे से यहां लाखों परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है, इसी पैसे से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। मोदी ने यह भी गारंटी दी है कि 4 जून के बाद छत्तीसगढ़ के हर परिवार में जो बुजुर्ग माता पिता है, जिनकी आयु 70 साल हो गई है, अब उनको मैं कहना चाहता हूं, आज अगर आप बीमार होते हैं तो आपके बेटे को खर्च करना पड़ता है, आपकी बेटी को खर्च करना पड़ता है। अगर 70 साल की उम्र हो गई है और आप बेटे पर बोझ नहीं बनना चाहते, तो ये मोदी आपका बेटा है, आपका इलाज मोदी करेगा, आपके इलाज का खर्च मोदी करेगा। सरगुजा के ही करीब 1 लाख किसानों के बैंक खाते में किसान निधि के 225 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और ये आगे भी होते रहेंगे। साथियों, यहां सरगुजा में करीब 462 ऐसी हैं जहां पहाड़ी कोरवा परिवार रहते हैं, पंडो माझी मझवार जैसी अनेक अति पिछड़ी जनजातियां यहां रहती है।
छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में भी रहती है। हमने पहली बार ऐसी सभी जनजातियों के लिए 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना भी बनाई है। विकास के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आप देखिए, अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, बहुत कम समय हुआ है, लेकिन इन्होंने इतने कम समय में रॉकेट की गति से सरकार चलाई है। धान किसानों को दी गारंटी, पूरी कर दी। अब तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी ज्यादा पैसा मिल रहा है। तेंदुपत्ता खरीद भी तेजी से हो रही है। यहां की माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना से भी लाभ हुआ है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह कांग्रेस के घोटालेबाजों पर एक्शन हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। साथियों, मैं आज आपसे विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। जब मैं विकसित भारत कहता हूं तो कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल ही बिगड़ जाएगा। आज अगर भारत आत्मनिर्भर बन गया तो कुछ ताकतों की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं। ऐसी कांग्रेस सरकार जो आपस में लड़ती रहे, जो घोटाले करती रहे। साथियों, कांग्रेस का इतिहास सत्ता के लालच में देश को तबाह करने का रहा है। देश में आतंकवाद फैला, किसके कारण फैला, किसके कारण फैला, किसके कारण फैला, किसके कारण फैला? देश में नक्सलवाद बढ़ा, किसके कारण बढ़ा, किसके कारण बढ़ा? साथियों, कांग्रेस का कुशासन और लापरवाही यही कारण है कि देश बर्बाद होता गया। आज भाजपा सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस हिंसा फैलाने वालों का समर्थन कर रही है। इतना ही नहीं, जो लोग निर्दोषों को मारते हैं, लोगों का जीना हराम कर देते हैं, पुलिस पे हमला करते हैं, सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, अगर वो मारे जाएं तो एक कांग्रेस वाले उनको शहीद कहते हैं। जब आप ऐसे लोगों को शहीद कहते हो ना, तो इस देश के शहीदों का, वीरों का अपमान करते हो। इसी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आतंकवादियों के मारे जाने पर आंसू बहाती है। ऐसी ही करतूतों के कारण कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है।